हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मैट्रेस का कवर शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास जो आजकल मैट्रेस चल रहे हैं वो तो नहीं है, बट मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी, तो जैसा मेरे पास है मैं वैसा ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लेंथ और विड्थ का माप ले लिया है। तो सबसे पहले ये करने के बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है मैट्रेस के लिए। जब भी हम कवर बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो वो क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है मैट्रेस, मीन्स ये कोई गद्दा है जिसकी हमें कवर बना रहे हैं। तो हमें सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई हमें लिख लेनी है, अपने माइंड में सेट कर लेना है कितनी लंबाई, या आप कहीं भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर 72 लंबाई और 35 हमारी आई है चौड़ाई। लेंथ 72 एंड विड्थ आई है 35, सॉरी यहाँ पर मैंने एच लिख दिया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें 10 इंच प्लस करना है, बिकॉज हम लास्टिक वाला बना रहे हैं, तो हमारा उसके लिए हमें कपड़ा चाहिएगा। तो यहाँ पर हमें 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 72 में हम जब 10 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 82, और 35 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। तो फिलहाल जो हमारा, हमें जो भी फैब्रिक, आप जिस भी फैब्रिक से बनाने जा रहे हो, चाहे वो बेडशीट हो या आपके पास कोई भी कॉटन का फैब्रिक हो या कोई भी, आपको वो फैब्रिक लेना है 82 एंड 45। मीन्स 82 तो उसकी लंबाई होनी चाहिए और 45 उसकी चौड़ाई। इसके बाद जो हमें फाइनल जो इसकी लेंथ और विड्थ हमें निकालनी है, वो हमें क्या करना है, 82 को हम डिवाइड करेंगे बाय 2 से और 45 को भी हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमारे पास जो फाइनल इनके का मेज़रमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 41 और 23। 22.5 आया था, बट इसको हम 23 ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल हमारा मेज़रमेंट आया है वो आया है 42 एंड 23। फ्रेंड्स, हमें जो फैब्रिक लेना है, पूरा एक जो फैब्रिक हम लेंगे वो लेंगे हम 82 और 45 का। आप अपने मैट्रेस के हिसाब से ले, अगर आप डबल का बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ले, सिंगल का बना रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग ले। तो यहाँ पर मैंने 82 बाय 45 का लिया है, जो मैट्रेस की मेरी लंबाई चौड़ाई थी उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 72 और 35 लिख दिया था, बट वो बाई मिस्टेक है, आप 82 एंड 45, क्योंकि ये 10 इंच ऐड करने के बाद का है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये मेरा एक मेन फैब्रिक मैंने लिया है जिससे मैं बनाने जा रही हूँ मैट्रेस का कवर। तो यहाँ पर ये फैब्रिक ले लिया मैंने 82 और 45, जिसकी लेंथ है 82 और जिसकी विड्थ है 45 इंच। तो ये फैब्रिक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक फोल्ड करना है। ये हमारा एक फोल्ड हो गया है, इसके बाद इसको हमें फिर से एक फोल्ड करना है, ऐसे कुछ इस टाइप से हम इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। मैं आपको पहले पेपर पर बनाकर दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही हमें फैब्रिक के ऊपर बनाना है। तो जो फोर ओपन साइड होंगे वो कुछ इस साइड से फोर ओपन साइड हमारे आ जाएंगे। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें अपने फाइनल मेज़रमेंट की, जैसे ये 41 और 23 हमारा फाइनल मेज़रमेंट आया था। तो अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर फिर इंच टेप से माप लेना है। जैसे 41 की हमारी ये लंबाई आई है और 23 की हमारी चौड़ाई आई है, तो जब हम ये माप लेंगे तो हमें इन दोनों को आपस में मिला देना है। ये प्रोसेस आपको करना है फैब्रिक के ऊपर। ये जो पेपर है ये साइज़ में छोटा है, बट आप ये मानकर चलिए कि आपके पास ये वो फैब्रिक है जिससे आप कवर बनाने जा रहे हैं। फिर हमें ये कॉर्नर्स कट कर देने हैं। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट्स को हम पकड़ेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। कुछ इस टाइप से हमें ये आपस में जोड़ देना है। तो चलिए आ जाइए अब फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरे पास अभी कोई कॉटन का कपड़ा नहीं था, तो मैंने यहाँ पर एक सिंगल बेडशीट का यूज़ किया है, उससे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको वन फोल्ड कर टू फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही रिपीट करना है हमें, हमें इसका नाप लेना है, जो कि चौड़ाई थी 23 जो फाइनल मेज़रमेंट था, और जिसकी लंबाई थी 41 इंच। 23 और 41 इंच का हमें यहाँ पर नाप लगाना है। यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। तो अब इन दोनों मार्क करने के बाद इन दोनों को हमें आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पर मैं इनको आपस में मिला लूँगी। तो इन दोनों को मिलाने के बाद बस अब इस चीज़ को हम कट कर देंगे, जो मिला हुआ है
और ये याद रखिएगा ये साइड ओपन वाला साइड होना चाहिए। कभी आप बंद वाले साइड काट दोगे तो इसका पूरा सत्यानाश ही हो जाना है। तो इसको मैंने कट कर दिया है। तो अब कट करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है। दोनों कॉर्नर को आपस में पकड़ना है और इनको आपस में सिल देना है। चारों कॉर्नर को हमें इसी तरीके से आपस में सिल देना है। तो एक जॉइंट उठाएंगे, उसको दूसरे से मिलाएंगे और इनको आपस में हम सिल देंगे। तो इसको ऐसे करके वन बाय वन करके हमें फोर के फोर कॉर्नर आपस में अटैच कर देने हैं। ध्यान रहे कि ये उल्टी साइड करने हैं, कभी बाई मिस्टेक आप सीधी साइड कर दो तो वो ख़राब हो जाएगा, दिखेगा भी वो ख़राब। तो ये इस टाइप से मैंने आपस में सिल दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक इलास्टिक लेना है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इलास्टिक की। तो ये जो कॉर्नर हमने सिल दिए हैं आपस में, सारे जॉइंट चारों तरफ के मैंने ये सिल दिया है। इसके बाद हमें लेना है इलास्टिक। इलास्टिक फ्रेंड्स मेरे पास जो लगता है इनके अंदर, वो वाला इलास्टिक मेरे पास फ़िलहाल नहीं था, तो जो रखा था वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पर बस इसको हमें रखना है इलास्टिक को, और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। इलास्टिक को पुल करते हुए हमें इसको स्टिच करना है फ्रेंड्स। एक बात और, यहाँ पर मैंने इलास्टिक का कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, ये मैंने हिसाब से अपने जिस हिसाब से मुझे लगा कितना लगना चाहिए उस हिसाब से मैंने लगाया। मैंने बहुत टाइट खींच कर नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा लूज ही मैंने रखा है। बिकॉज़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर हम खींचते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमें कवर को पहनाने में। तो हल्का सा लूज़ मैंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि इस इलास्टिक का कुछ मेज़रमेंट इतना वो था नहीं, क्योंकि ये इलास्टिक अलग वाला है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से इसकी वीडियो शेयर कर दूँगी। बट ये अब हमारा कवर बनकर रेडी है। बस इसको चलिए अब हम पहना कर देख लेते हैं अपने मैट्रेस को कि ये कैसा लगेगा। इसको बनाना इतना टफ नहीं है, बस हमें थोड़ा कैलकुलेशन में कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये अधिकतर सभी को होता है, जो इसका कैलकुलेशन मेथड है उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है और अलग अलग तरीके से सभी लोग इसका यूज़ करते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कौन देखने आ रहा है, हमारा कुछ तो बनेगा ही, आप कुछ तो बनाकर लगा ही लोगे मैट्रेस के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप दोबारा ट्राई करोगे तो यकीनन आपसे भी बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैट्रेस बन गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस मैट्रेस से रिलेटेड, आपकी इस कवर से रिलेटेड आपका कोई भी क्यूरीज़ हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं क्लियर कर सकूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।